एज वी वर टॉकिंग अबाउट इन लास्ट वीडियो अबाउट दिस शॉर्ट की डिफेक्ट, तो हमने वहाँ पे बात की थी कि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है। तो यहाँ पर जो एक पेयर होता है पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्मूले का, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एन ए सी एल के अंदर बात करें तो एन ए सी एल के अंदर एक तो कैटायन होगा एन ए प्लस, एंड सी एल के केस में क्या होगा, एन आयन होगा सी एल माइनस। तो अगर ये पूरा पेयर, एक पूरा एटम्स का पेयर क्या हो जाए, निकल जाए फॉर्मूले से, तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में हम उसे बोलते थे शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ है कि एक पूरा पेयर निकल चुका है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉल एम्प्टी रह जाते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो सेकेंड इफेक्ट आता है इन केस ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। बिकॉज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए या फिर कम्प्लीटली सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब दूसरे बारे की बात करेंगे तो दूसरे केस में आएगा हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट ओके ना टर्म आ गया हमें। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट कि यहाँ पर क्या होता है कि बी की पोजीशन एज इट इज रहेगी और किसी एक एनायन या फिर कैटायन, तो स्पेशली हम यहाँ पर कैटायन मान रहे हैं, कैटायन क्या होगा अपनी करेक्ट पोजीशन को छोड़कर किसी वॉइड की पोजीशन में, एंटेस्टिनियर पोजीशन के अंदर पहुँच कर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, पहला पॉइंट कि जो एक आयन है लीव्स इट्स करेक्ट पोजीशन और किसी वॉइड में जाकर फिक्स हो जाता है। ठीक, तो इस केस में क्या करते हैं, हम बात करते हैं इससे फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, रेशियो और रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एटम्स के साइज होंगे, तो साइज ऑफ एटम्स और आयन आर डिफर, यानी कि इनके साइज क्या हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। कोई आयन बड़ा हो सकता है, कोई आयन छोटा हो सकता है। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लोअर रहेगा या लेस रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी लेस। जैसा हम शॉर्ट की में बात कर रहे थे कि वहाँ पर क्या होता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता था, हायर हो जाता था। बट इन केस ऑफ इट फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जेड एन ओ की, तो इस केस में क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं दोनों के। और कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर ये डिफेक्ट देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे ए जी सी एल, ए जी बी आर और ए जी आई, ये सबके सब कंपाउंड्स जो होते हैं इसके अंदर जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। स्पेशली अगर मैं ए जी बी आर की बात करूँ तो ये बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट शो करता है। इसके अंदर आपका एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट भी होगा और उसके साथ जो दूसरा वाला है मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट भी, ये दोनों ही डिफेक्ट को शो कर सकता है इन केस ऑफ एजीबीआर। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एजीसीएल, एजीबीआर और एजीआई जो होते हैं वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। एक मोस्ट कॉमन चीज़ आपने देखी क्या, इसमें नंबर ऑफ द एटम्स जो और आयंस जो थे उनमें कोई डिफरेंस आया, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। दैट्स मीन इसके केस में क्या होगा कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो सिमिलर ही रहने वाली है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा डेंसिटी का, डेंसिटी में नो चेंज रहेगा। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम बोलेंगे कि उस केस में डेंसिटी में क्या है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नॉन स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट। दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम्स। मतलब कैटायन और जो एनायन होते हैं उनकी रेडियस में अगर कोई चेंज पाया जाता है, इवन द डिफरेंस इज लार्जर एज कम्पेयर टू दैट, तो वहाँ पर आप स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ
कैटायन एंड एनायन आर डिफरेंट इनकी जो रेडियस होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है एज वी कंपेयर, यानी कि उनका अगर हम रेशियो निकालने की कोशिश करें तो रेशियो क्या होगा इन केस ऑफ दैट हमेशा ही लार्जर आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है रेडियस रेशियो का आर प्लस अपॉन आर माइनस। इस केस में क्या होगा कि इनकी रेडियस में अगर बड़ा डिफरेंस है तो यहाँ पर क्या होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक अरेंजमेंट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक ऑफ अरेंजमेंट होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर डिफेक्ट जनरेट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि जो इनके न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल्स होती है, न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर कोई भी एक एटम और या एक आयन इसमें से डिसअपीयर होता है मतलब निकल कर चला जाता है तो उस केस में क्या होता है अगर यहाँ पर जाएगा एक फॉर एग्जांपल एनायन जाता है तो उसकी जो प्लेस ले लेगा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इट विल रिप्लेस इट, उसे रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल होगा ओवरऑल उसकी जो कंडीशन रहेगी वो एकदम न्यूट्रल रहेगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक में, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में डिफेक्ट अबाउट फर्स्ट वन मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एन आयन वैकेंसी। इस केस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं किसी भी मेटल्स के अंदर द नंबर और द चार्जेस ऑफ द प्रोटॉन एंड मीन प्रोटॉन्स मीन कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू बैलेंस द न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उस क्रिस्टल को उसमें क्या होती है इनकी अमाउंट बराबर होती है, बट इन केस ऑफ सम हाउ क्या होगा कि अगर कैटायन और एनायन के दोनों के साइजेस में डिफरेंस हो तो उसमें कभी कभी क्या होगा कि वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उस जगह पर कुछ एटम्स जो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एनायन के एटम्स होंगे इस केस में वो निकल जाएंगे और उसकी जगह पर एक हॉल रह जाता है, ठीक है। तो उस हॉल के अंदर टू ऑक्यूपाई द और न्यूट्रलाइज द क्रिस्टल यू नो उस हॉल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है, जिससे क्या हो जाए न्यूट्रल जो पूरा क्रिस्टल था वो भी हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और जो वैकेंसी थी और उसके अंदर जो मेटल्स की अमाउंट है नंबर ऑफ मेटल्स आयंस हैं वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है, पहला कि इसमें क्या होता है अब्सेंस ऑफ एनायन होती है और जब एब्सेंस ऑफ एनायन होगी तो उस जगह पर क्या बनेगा एक हॉल बन जाएगा, मतलब एक हॉल होगा जो खाली जगह रह जाएगी। तो देयर इज ए हॉल एट द पोजिशन ऑफ एनायन और टू न्यूट्रलाइज द क्रिस्टल टू न्यूट्रलाइज द क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रॉन टेक्स इट प्लेस मीन टू मेक द क्रिस्टल न्यूट्रलाइज उसकी जगह पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन आता है जो उसका प्लेस ले लेता है, अंडरस्टैंड। और ये जो हॉल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे ठीक इन्हें कहते हैं हम एफ सेंटर्स। दीज हॉल्स आर कॉल्ड एफ सेंटर और दीज एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द मटेरियल और कलर ऑफ द सब्सटेंस। दीज एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्रिस्टल। दैट्स मीन जिस अगर क्रिस्टल्स के अंदर एफ सेंटर्स प्रेजेंट हैं
तो वो क्रिस्टल्स क्या हो जाता है, एक कलरली मटेरियल हो जाता है। तो इन केस ऑफ दैट आपको एक बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर किसी क्रिस्टल्स के अंदर एफ सेंटर्स की नंबर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ द एफ सेंटर्स जो होगा, सिक्स पॉइंट हमारा बनेगा, द नंबर ऑफ एफ सेंटर इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट्स मीन जैसे ही नंबर ऑफ द मतलब एफ सेंटर्स जो होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसके जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ये जनरली नोटिस किया जाता है। ये जो होता है इस तरह का इफेक्ट जो आप ज़्यादातर देखेंगे, वो देखेंगे आप शॉर्ट की टाइप ऑफ कंपाउंड जो होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट वाले कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर इस तरह का इफेक्ट नज़र आता है कि उसके अंदर क्या होता है कि एफ सेंटर्स की नंबर इंक्रीज होती जाती है तो उनका कलरिंग जो सब्सटेंस होता है, मतलब उसका जो सब्सटेंस का कलर होता है वो निकल कर आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई रियली क्लियर फाइव हियर, सो लेट मी टेक द डस्ट, टेक द स्क्रीन शॉट, और इफ यू वॉन्ट हम लोग बात कर रहे थे उसके पास कि यहाँ पर क्या होगा एफ सेंटर की प्रेजेंस की वजह से। तो अगर किसी मैटर्स में, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल के केस में क्या है कि अगर यहाँ पर कोई मैटर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर NaCl है और यहाँ पर एक्सिस ऑफ NaCl हो जाए Na, ठीक, इन केस ऑफ दिस अगर एक्सिस ऑफ Na हो जाए तो क्रिस्टल का कलर जो हो जाता है येलो हो जाता है। क्रिस्टल का कलर कैसे हो जाएगा, येलो हो जाएगा। मींस इन द केस ऑफ द एक्सिस अमाउंट ऑफ सोडियम, उसका क्रिस्टल का कलर कैसे निकल के आता है, येलो कलर निकल के आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं KCl और इस केस में हम यहां पर एक्सिस ऑफ KCl हो जाए, मतलब K की हो जाए किसमें, KCl के अंदर, तो इस केस में इसका कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिथियम क्लोराइड की और इसमें एक्सिस ऑफ मेटल साइड मतलब लिथियम हो जाए तो इसका कलर निकल कर आता है, ठीक है। तो जब एक्सिस होती है मेटल्स की और उसके अंदर हॉल जो एफ सेंटर्स मतलब हॉल्स की नंबर बढ़ती जाती है तो उनका कलर कैसा होता जाता है, मोर इंटेंसीफाई होता जाता है, मतलब उनका कलर ज़्यादा गहरे होते जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने इसके अंदर स्टडी किया। अब एक बार हम इसके पिक्चर बना के देख लेते हैं किस तरीके से काम करने वाला है और इसका क्या इफेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि ये जो है एटम्स हैं और ये अरेंज है एक ऑर्डर, ठीक, अगर ये ऑर्डर में अरेंज रहेंगे यहाँ पर तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ पर बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, यहाँ पर आएगा आपका बी माइनस और यहाँ पर लेते हैं हम ए प्लस, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमने माना कि यहाँ पर क्या है, जो प्रोटॉन मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला एन आयन था वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया, ठीक। तो इन दैट केस क्या होगा, इस जगह पर जो आएगा चार्ज वो कराएगा निगेटिव। दैट्स मीन इसका जो ये हॉल था यहीं पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसकी वजह से हम इसे बोलेंगे, इस कंप्लीट हॉल को बोलेंगे हम एफ सेंटर, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, अंडरस्टैंड। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है इन केस ऑफ द मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और इसमें क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स का, जैसे कि हमने 6-7 पॉइंट्स की बात की है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनकी बात की थी हमने, तो जिसके बेसिस पर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू राइट द पॉइंट्स इन योर बुक और उन्हें रिमाइंड करने की कोशिश करें। और द बेस्ट चीज़ जो होती है जो मैं फॉलो करता हूँ जनरली, मुझे ये सबसे एडवांस लगता है कि आपको बुक के गो थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि बुक से जो नॉलेज मिलती है उसमें सारी चीज़ क्लियर होती है, ठीक। तो वीडियो देखें और बुक पढ़ें, उसके बाद सारे पॉइंट्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। द नेक्स्ट डिफेक्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं
वो हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कटाइन। मींस क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ द एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ द आयंस और एटम्स होते हैं इन ए क्रिस्टल, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कैटायन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें हमने पहला पॉइंट देखा कि इसमें एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है, और वो कैटायन जो होता है वो इंटरस्टेयर पोजिशंस पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक कैटायन आ गया, लेकिन टू मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी कहाँ पर आ जाएगा, इंटरस्टीशियल पोजीशंस में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाए, क्रिस्टल पूरा ओवरऑल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा इसके अंदर वो होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम्स इन इंटरस्टीशियल पोजीशन, ठीक। तो एक इंटरस्टीशियल, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें क्या हो गया है, एक्सिस में पहुंच गया है, इंक्रीज हो गया है, और नंबर ऑफ आयनिक चार्ज है वो भी क्या है, बैलेंस हो गया है बाय द हेल्प ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके का जो डिफेक्ट होती है वो आप जनरली नोटिस करेंगे इन केस ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्टिव क्रिस्टल्स, यानी कि जिनके अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है, डिफेक्ट जीन में पाया जाता है, उनके अंदर क्या होता है, इस तरह का डिफेक्ट इजिली नोटिस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि एक हमारे पास क्रिस्टल है ZnS, ठीक, इट इज फाउंड इन द कलर ऑफ येलो। तो इसका येलो कलर जो होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ एक्सिस ऑफ जिंक, एक्सिस ऑफ जिंक, यानी कि इसके अंदर जो जिंक का कैटायन होता है वो एक्सिस में पाया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है येलो कलर का सब्सटेंस रेडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि इसमें क्या होगा, मेटल की एक्सिस होगा जब उसके अंदर एडिशन ऑफ वन कैटायन हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए उसमें क्या होता है, वन मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जो क्या कर देता है, पूरे क्रिस्टल को कम्प्लीटली न्यूट्रल बना देता है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम बात करते हैं कि ये जो डिफेक्ट पाया जाता है जनरली उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनके अंदर क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट ऑलरेडी हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायन जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो भी क्या होगा, वो भी कलर शो करने लगता है, अंडरस्टैंड। जैसे कि ZnS का जो होता है येलो कलर होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक के लास्ट पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी। इस केस में क्या होता है कि मेटल की जो होती है डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब मेटल्स का जो नंबर ऑफ द मेटल एटम्स होंगे उनमें क्या आएगी, कमी आ जाएगी, और वो आएगी बिकॉज ऑफ कैटायन वैकेंसी से। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर क्या होने वाला है कि एक कैटायन वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी मतलब नंबर ऑफ द एटम्स क्या हो जाएंगे, वो डिफिशियंट हो जाएंगे, डिफिशियंट हो जाएंगे नंबर ऑफ कैटायन। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि दूसरा पॉइंट है टू न्यूट्रलाइज द होल लैटिस, न्यूट्रलाइज द होल लैटिस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो चार्जेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ए के ऊपर ए प्लस चार्ज होता है वो बैलेंस हो जाता है दूसरे कैटायन के थ्रू, यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया, टू पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दैट इज बैलेंस्ड बाय द अदर कैटायन। तो चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द अदर कैटायन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर चार्जेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे अदर कैटायन के थ्रू, और ये इस तरह के जो मतलब डिफेक्ट शो किए जाते हैं ये जनरली शो किए जाते हैं ट्रांजिशन मेटल के थ्रू, ट्रांजिशन मेटल से जो होती हैं इस तरह के डिफेक्ट
शो करती है। जैसे कि हम जानते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टू शो द वेरिएबल बैलेंसेस। तो उसके केस में क्या होगा, उस वेरिएबल बैलेंसी के केस में वो शो करती हैं अपनी बैलेंसी को 1 और 2 और 3 और 4। तो उनकी बैलेंसी की जो वेरिएबिलिटी है उसे बैलेंस करने के लिए एक कैटायन पर क्या होती है, बैलेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और एक कैटायन इसमें से अब्सेंट हो जाता है। तो इस तरह के कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं अगर हम उनकी बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है इसमें FeS, FeO हो सकता है और समटाइम यहाँ पर आ जाता है NiO। दिस तरह के दिस टाइप ऑफ ऑल द कंपाउंड सो वेरिएबल बैलेंसी।